जनपद मैनपुरी में 12 वर्षीय मासूम किशोरी के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई है। मासूम किशोरी अपने घर से अपने दूसरे घर में गई थी, तभी गांव के 6 आरोपियों द्वारा मासूम किशोरी को मक्के के खेत में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने परिजनों की तरहीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किशोरी को मेडिकल के लिए मैनपुरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पूरा मामला जनपद मैनपुर के किशनी थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा हुआ है, जहां किशनी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मासूम किशोरी के साथ परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया है, उसकी 12 वर्षीय मासूम किशोरी जब अपने पुराने घर से नए घर गई थी, तभी गांव के आरोपियों द्वारा मेरी मासूम किशोरी को उठाकर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। परिजनों ने बताया कि किशोरी को परिजनों ने काफी देर तक ढूंढा, लेकिन काफी देर बाद मक्के के खेत में मासूम किशोरी खून से लथपथ अवस्था में पड़ी हुई मिली, जिसके बाद परिजनों द्वारा मासूम किशोरी को थाने ले जाकर पुलिस को घटना के बारे में बताया गया। तो पुलिस ने किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल मैनपुरी में भर्ती करा दिया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी के अन्य 5 आरोपी की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद गांव के में तनाव की स्थिति देखते हुए पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। आपकी गुड़िया के साथ में घटना घटित हुई है, क्या पूरा मामला क्या है? 8 बजे बेटी मिली हमारी, 8 बजे पता लगा, 9 बजे 9:30 बजे 9:30 बजे पता लगा। अच्छा, आपकी गुड़िया क्या है, कोई दूसरे मकान पे गई हुई? हाँ, दूसरे मकान। कितने 8 बजे का समय था? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर 5 लोग आए और गुड़िया हमारी बाहर निकली, 5 लोग आए मक्के के खेत में ले गए और बलात्कार किया और बाहर निकाल के बेटी को। सर, ये नाबालिग के साथ एक दुष्कर्म का मामला है, क्या है सर पूरा मामला? किशनी थाना अंतर्गत एक नाबालिग बालिका के साथ दुराचार की घटना की शिकायत थाने को प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा पीड़िता का मेडिकल कराया गया, साथ ही परिजनों की तहरीर के आधार पर 6 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। 1 व्यक्ति की को हिरासत में लिया गया है। 164 के अंतर्गत बयान कराने के पश्चात जो भी वांछित कार्रवाई होगी तत्परता से की जाएगी।